morning students, welcome to the class 7. As we all know that we are watching our video of subject maths, that is class chapter number 3, HCF and LCM. जिसमें आपको पता है स्टूडेंट हम लोग प्रैक्टिस सेट 13 देख रहे हैं और प्रैक्टिस सेट 13 में लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग को दो होमवर्क दिए थे. फर्स्ट होमवर्क था 4th नंबर एंड सेकंड होमवर्क था 6th नंबर. 4th नंबर वाज 10 15 20 एंड 6th नंबर वाज 15 30 और 90. हम लोग को क्या करना है इसका ये क्वेश्चन है बेटा. क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम, मतलब हम लोग को क्या करना है इसका एलसीएम कैलकुलेट करना है. तो जैसे कि आपको पता है कि एलसीएम कैलकुलेट करने के समय पे हम लोग क्या करते हैं इस वीडियो सबसे पहले हम लोग उसको उसके फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं. तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर से बेटा यहाँ पे मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेता हूँ. सॉल्यूशन में इस तरह से मैं 3 ढांचे बना लेता हूँ. 3 ढांचों में पहले में 10, दूसरे में 15 और तीसरे में मैं यहाँ पे 20 ये संख्या लिख रहा हूँ. 10 के फैक्टर हम लोग को बनाने हैं. 2 5 द 10 एंड देन 5 1 द 5. ओके, क्योंकि इसलिए ये फास्ट हो रहे हैं क्योंकि इसके पूर्व हम लोग के इतने सारे एग्जाम्पल सॉल्व हो गए हैं कि हम लोग को इसको डायरेक्टली मतलब सॉल्व करने के अलावा कोई चारा ही नहीं है. हम लोग डायरेक्टली इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं. अभी 15 को आपको पता है 2 का भाग नहीं जाता तो 3 का भाग जाता है. 3 5 द 15 एंड देन 5 1 द 5. तो ये हो गए बेटा 15 के फैक्टर. और अब 20 के फैक्टर देखेंगे. 20 को 2 का भाग जाता है तो आपका आंसर आएगा 10. फिर 10 को 2 का भाग जाता है आपका आंसर आएगा 5. 5 को भी सॉरी 2 का भाग नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता और 5 को सिर्फ 5 का ही भाग जाता है. तो ये हो गए तीनों फैक्टर ऑफ 10 15 एंड 20. तो अब हम लोग यहाँ पे इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं. देयरफॉर 10 इज इक्वल टू 2 इनटू 5 एंड 15 इज इक्वल टू 3 इनटू 5 एंड देन 20 इज इक्वल टू 2 into 2 into 5. तो ये तीनों फैक्टर एक साथ मैंने यहाँ पे लिख लिए बेटा. अब बारी है एलसीएम की. जैसे कि आप सब जानते हैं एलसीएम मेथड कैलकुलेट करते समय मैंने आप लोग को बताया था कि हर जगह पे स्मॉलेस्ट नंबर जो भी है, मतलब ये जैसे 2 है और यहाँ पे 2 into 2 है, तो ये नंबर जहां पर ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा उसको हम लोग को यहाँ पे लिखना है. तो हम लोग ये 2 लिखेंगे या 2 into 2 लिखेंगे. करेक्ट, ये 2 into 2 लिखेंगे. फिर तीनों जगह पर 5 है लेकिन हम लोग को सिर्फ एक ही बार 5 लिखना है और एक ही जगह पर 3 है और हमको सिर्फ एक ही जगह पर 3 लिखना है. तो यहाँ पे देखिए बेटा 3 एक ही जगह पर आया हुआ है और दूसरी जगह पे नहीं है तो 3 के बारे में सोचेंगे ही नहीं. 5 तीनों जगह पर आया हुआ है लेकिन एक भी जगह पर 2 या 3 बार नहीं आया हुआ है तो इसको भी हम लोग सिर्फ एक ही बार लिखेंगे. तो देखिए बेटा 2 into 2 होता है 4 और 3 into 5 होता है 15 और 4 into 15 होता है बेटा 60. And therefore, LCM is equal to 60. तो ये हो गया हमारा problem number 4. 10, 15 और 20 का LCM हमको मिला है यहाँ पे 60. तो इस तरह से आपका जो answer है इस pattern में ही होना चाहिए ताकि आप लोग को इसको समझने में ज्यादा problem ना हो और आसानी से problem को आप लोग कर सके. अब हम लोग चलते हैं हमारे 6 नंबर के problem की तरफ. इसका भी मैं यहाँ पे solution लिख लेता हूँ. अब जैसे कि आप लोग को पता है यहाँ पे 3 ढांचे आप लोग को बना लेने हैं और फर्स्ट में मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15, दूसरे में 30 और तीसरे में 90. अब ये तीनों संख्याएं लिख लेने के बाद आपको इसको इसके फैक्टर निकालने हैं. अब जैसे कि आपको पता है 15 अभी थोड़ी देर पहले हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है, यही मेजर यहाँ पे डायरेक्टली लिख लेता हूँ मैं. तो ये हो गए 15 के फैक्टर. अब हम लोग चलते हैं 30 के फैक्टर की तरफ. जैसे कि पता है आप लोग को 30 को 2 का भाग जाता है. देखिए आपके मन में आ सकता है कि 30 है सर, 30 को मैं 3 का भाग पहले देकर देखती हूँ या देखता हूँ, तो ये गलत हो सकता है बेटा. स्मॉलेस्ट नंबर से ही आपको डिवीजन करना है, ठीक है, और स्मॉलेस्ट नंबर से ही पहले प्रेफरेंस देकर उसको फैक्टर्स कैलकुलेट करना है. अगर 2 का नहीं जाता तो फिर 3 के बारे में सोचेंगे. तो यहाँ पे 30 को 2 को भाग देकर देखेंगे तो आपका आंसर आएगा 15. 15 को 3 का भाग जाता है बेटा 3 5 द 15 और 5 को 1 का ही भाग 5 1 द 5 5 का ही भाग जाता है तो 5, ठीक है. तो इस तरह से ये 30 के फैक्टर्स आ गए. 90 के फैक्टर्स की तरफ चलते हैं. 90 को भी 2 का भाग जाता है. 90 को 2 से डिवाइड करके देखिए आपका आंसर 45 आएगा. अब 45 को 3 का भाग जाता है बेटा तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा 15 और 15 को भी 3 का भाग जाता है तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 5 और फिर 5 को 5 का ही भाग जाता है तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 1. 5 1 द 5. तो
अब ये तीनों के फैक्टर्स मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एंड देयरफॉर 15 इज इक्वल टू 3 इनटू 5, एंड देयरफॉर 30 इज इक्वल टू 2 इनटू 3 इनटू 5, एंड लास्ट 90 इज इक्वल टू 2 इनटू 3 इनटू 3 इनटू 5। देखिए ये तीनों फैक्टर्स मैंने अभी यहाँ पे लिख लिए हैं। अब इसका हम लोग को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, एलसीएम कैलकुलेट करना है। एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई हुई है। तो यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे भी एक ही बार है, तो हम लोग यहाँ पे इसको एक ही बार लिखेंगे। अब थ्री यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार है, और यहाँ पे दो बार है, तो हम लोग इसको दो बार लिख लेते हैं। और फाइव यहाँ पे भी एक बार, यहाँ पे भी एक बार, और यहाँ पे भी एक बार है, तो हम लोग इसको सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। अब जैसे कि आप लोग को पता है 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, इंटू 5 आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है बेटा 120, मतलब 6 का जो सॉरी 5 × 19 आपका आंसर यहाँ पे आएगा 90। ठीक है, तो इस तरह से एक प्रॉब्लम को आप लोग को सॉल्व करना है। इसका मल्टीप्लिकेशन आप लोग को अच्छे से करना है, एक बार देख लेते हैं 2 × 3 = 6, 6 × 3 = 18, 18 × 5 = 90। तो इस तरह से आप लोग को प्रॉब्लम सॉल्व करना है बेटा। तो ये हो गया हमारे दैट इज द एलसीएम ऑफ 15, 30 और 90, दैट इज द आंसर इज 90। अब हम लोग चलते हैं हमारे लास्ट प्रॉब्लम की तरफ इस वीडियो के। इसमें मैं आप लोग को प्रॉब्लम नंबर 8 सॉल्व करके बताऊंगा। 8 होने के बाद आप लोग को जो बचे हुए तीन एग्जांपल्स हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं 7 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, ये तीनों आप लोग को होमवर्क रहेंगे। ये होमवर्क आप लोग मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, सॉल्व करके बताइए। और जो क्वेश्चन मैं आप लोग को लिख के दे रहा हूँ वो अपने पक्की कॉपी में लिख कर रखिए स्टूडेंट्स। ओके, तो आप हम लोग चलते हैं हमारे प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ। देखिए यहाँ पे ये पहला वाला प्रॉब्लम है, ये मैं मिटा देता हूँ, और ये पहला वाला प्रॉब्लम मिटा देने के बाद अब हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिखते हैं हमारा प्रॉब्लम नंबर 8, दैट इज 12, 15 एंड 45। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेता हूँ मैं। जैसे आपको पता है बेटा तीन ढांचे हम लोग यहाँ पे बना देंगे तीनों नंबर के लिए, फर्स्ट इज 12, सेकंड इज 15 एंड थर्ड इज 45। तो जैसे आप लोग को पता है कि 2 को 12 का 12 के फैक्टर हम लोग को कैलकुलेट करने हैं, 12 डिवाइड बाय 2 इज 6 एंड 6 डिवाइड बाय 2 इज आंसर इज 3 एंड 3 वन द 3। तो ये हो गए 12 के फैक्टर 2 × 2 × 3। 15 के फैक्टर जो अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं वो ऑलरेडी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 5 का नहीं 3 का भाग जाएगा, 3 × 5 = 15 और 5 × 1 = 5। तो ये हो गए 15 के फैक्टर। अब 45 के फैक्टर की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा यहाँ पे 45 के यहाँ से यहाँ तक फैक्टर हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए हैं, तो यहाँ से ये तीनों फैक्टर हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, 3 × 15 = 45, 3 × 5 = 15 एंड 5 × 1 = 5। तो ये हो गए हमारे तीनों फैक्टर। अब हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेते हैं 12 के जो फैक्टर है वो है 2 × 2 × 3, देन 15 के फैक्टर है बेटा 3 × 5, एंड 45 के फैक्टर है बेटा 3 × 3 × 5, एंड देयरफॉर अब लास्ट जो प्रोसेस है हमारी एलसीएम कैलकुलेट करने की। एलसीएम कैलकुलेट करने के लिए देखिए कि हर एक नंबर कितनी बार आया हुआ है। यहाँ पे देखिए 2 × 2 दो बार आया हुआ है, और अन्य कहीं जगह पर तीन बार नहीं आया, लेकिन इसलिए हम लोग इसको दो ही बार लिखेंगे, 2 × 2 हो गया। फिर 3 यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे दो बार है, तो कहाँ पे ज्यादा बार आया हुआ है बेटा, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे एक बार, यहाँ पे दो बार, तो हम लोग ज्यादा बार यानी कि 3 × 3 आए इसलिए एक बार लिखेंगे। और 5 जो है वो सिर्फ एक ही बार आया हुआ है। अब 2 × 2 होता है 4, 3 × 3 होता है 9 × 5, 36 × 5, अब देखिए बड़ी संख्या है इसलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 36 × 5 यानी कि आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है 180, दैट इज द एलसीएम ऑफ 12, 15 एंड 45। तो ये है हमारा लास्ट प्रॉब्लम जिसको मैंने आप लोग को सॉल्व करके बताया हुआ है 8 नंबर का, और यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। ये तीन होमवर्क जो मैं आप लोग को दिए हैं ये आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, मेथड आपको पता है, और यही मेथड से आप लोग को सॉल्व करना पड़ा।
देखिए प्रॉब्लम करते समय ये बात ध्यान में रखिए कि फैक्टर्स निकालना बहुत ही आसान बात है और आप लोग बहुत अच्छे से इस प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व कर सकते हैं, ये मुझे पूरा यकीन है और विश्वास भी है। इसीलिए ये प्रॉब्लम आप लोग सॉल्व करके मुझे पर्सनली व्हाट्सएप सेंड करिए और मुझे खुशी है कि बहुत सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे प्रॉब्लम सॉल्व करके भेज रहे हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा है। बाहर कहीं जाते हैं तो मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी रखिए और हाथ बार बार धोते रहिए। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।